हाथरस के घटनाक्रम ने योगी आदित्यनाथ सरकार के गवर्नेंस के तरीके पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हाथरस प्रशासन और यूपी पुलिस का जो रवैया देखने को मिला है, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास पुरुष वाले छवि पर पानी फेर दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसकी वजह से योगी सरकार सवालों के घेरे में नहीं रही हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये पहली बार हुआ है कि विपक्षी पार्टियों के पास एक ऐसा बड़ा मुद्दा हाथ लगा है जिससे वो योगी सरकार को चारों तरफ से घेर सकते हैं। लेकिन इस समय भी यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नदारद हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक कुशल नेतृत्व के अंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत थी, उस समय अखिलेश यादव कहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अखिलेश यादव अब जमीनी स्तर पर उतने एक्टिव नहीं लग रहे हैं जितने की जरूरत है। सीए और लॉकडाउन के दौरान भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ते दिखे, लेकिन अखिलेश यादव उस समय भी ट्विटर पर ही ज्यादा सक्रिय दिखे। अब जब हाथरस मामला इतना बड़ा हो गया है, तब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अखिलेश हैं कहां। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव फिलहाल लंदन में हैं और वहीं से अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कोई भी ये बात खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए पीड़ित परिवार से मिलने? अखिलेश यादव जी ने आज हम लोगों को भेजा है, जो रिपोर्ट हम लोग एकत्र करेंगे उसकी जानकारी उनको देंगे और परिवार को न्याय मिले इस चीज की वो मांग करेंगे। न्यायिक जांच, क्या सीबीआई जांच से संतुष्ट है समाजवादी पार्टी? नहीं, हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी निजी कारणों से अखिलेश यादव लंदन में हो, लेकिन इस समय जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में महज 2 साल रह गए हैं, अखिलेश यादव का यूं प्रदेश में नदारद होना कम से कम सपा के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।